नमस्कार दोस्तों, मैं रब में आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हीरो मेस्ट्रो 110 सीसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो मेस्ट्रो के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपकी सिटी का नेम, स्टेट का नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस दे दूंगा। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ चुका होगा। फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपको वहां पर भी रिप्लाई करूंगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो मेस्ट्रो के इंजन के बारे में। तो आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन दिया जा रहा है। ये इंजन जनरेट करता है 8 BHP की पावर एट द रेट ऑफ 7500 के RPM में, और साथ ही में आपको 8.75 Nm का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन एट द रेट ऑफ 5500 के RPM में। अगर बात करें इंजन डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो आपको 110.9 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर दिया जा रहा है, और ये इंजन आता है पूरा इंजन कंट्रोल यूनिट के ऊपर बेस्ड, यानी कि ECU फंक्शन पे बेस्ड है। अगर कोई भी समस्या इंजन के अंदर निकलती है तो ECU के थ्रू आपको पता लग जाएगी, यानी कि इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं इंजन में, जिससे कि पता आपको लग जाएगी। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम की अगर बात करें तो आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलेगा, और माइलेज की अगर बात करें तो आपको 45 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज इससे मिल जाएगा। मतलब आप आराम से निकाल सकते हैं। माइलेज डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स पर और रोड्स पर कि कितना माइलेज आपको मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो आपको 5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जा रही है, और आप आराम से इसमें 1 लीटर रिजर्व रख सकते हैं। मैं कहूँगा FI बेस्ड गाड़ी है, तो आपका जो टैंक है वो कभी खाली नहीं रहना चाहिए। बस भले आप कितना भी अगर कहें, लेकिन ये होता है कि 2.5 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखो तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम अच्छा चलेगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, आप हमेशा गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक जो है वो खाली ना होने दें, बस आपका इंजन हमेशा अच्छा रहेगा और फ्यूल सप्लाई सिस्टम भी ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं मेस्ट्रो के डायमेंशन के बारे में। तो आपको 1843 mm की लेंथ दी जा रही है, 715 mm की आपको विड्थ मिलती है, और 1188 mm की आपको हाइट दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस 1261 mm का मिलता है, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है, 775 mm की सीट हाइट आपको दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल कर्ब वेट की बात करें तो आपको 112 kg का कर्ब वेट दिया जाता है, यानी कि एक शॉर्टर राइडर के हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी है, और कह सकते हैं कि एक हेवी गाड़ी भी नहीं है ज़्यादा। 112 kg एक नॉर्मल वेट है, जितना मतलब आप आराम से चला सकते हैं इस गाड़ी को। और अगर बात करें इसके टायर्स एंड सस्पेंशन के बारे में, तो आपको इसके अंदर फ्रंट टायर जो है वो 12 इंच का दिया जा रहा है, और साथ ही में इसका जो टायर है उसके अंदर आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर दिए जा रहे हैं एलॉय व्हील के साथ में, टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स आपको फ्रंट के अंदर मिल जाते हैं। और अगर बात करें रियर टायर के बारे में, तो आपको 10 इंच का रियर टायर दिया गया है, और ये जो टायर है इसके अंदर जो सस्पेंशन आपको मिलेंगे, यूनिट स्विंग विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, और साथ ही में जो सस्पेंशन तो है ही है, 130 mm का ड्रम ब्रेक भी मिलेगा विद IBS सिस्टम, यानी कि अगर आप पीछे का ब्रेक लगाते हैं तो आपका आगे का ब्रेक 30-40% लगेगा, जिससे कि गाड़ी का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा। एज अ सेफ्टी फीचर बहुत ही अच्छा फीचर है। और साथ ही में स्कूटर के इंजन की अगर बात करें, तो इंजन भी आपको स्मूथ एंड रिफाइन मिलता है, बट थोड़ा सा एक्सेलरेशन में लेके आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, एक्सेलरेशन थोड़ा सा आपको इसके अंदर पिकअप जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो मेस्ट्रो के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। तो आपको फ्रंट के अंदर इसका जो पूरा कंसोल बनाया गया है पूरा स्पोर्टी डिज़ाइन में दिया गया है, यानी कि एरो शेप में आपको देखने को मिलेगा। यंग एज के हिसाब से बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये। और अगर बात करें इसके हेडलैम्प्स के बारे में, तो आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं, और इसके अंदर आपको DRL भी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जैसा ये स्कूटर है जैसा प्राइस है उस हिसाब से DRLs होनी चाहिए थी। साथ ही में बात करें बॉडी ग्राफिक्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, इंडिकेटर्स आपको नीचे की तरफ दिए गए हैं। और अगर बात करें साइड के बारे में, तो आपको साइड में प्रोग्राम FI की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। एलॉय व्हील जो है आपको 12 इंच के दिए जा रहे हैं, ब्लैक कलर के एलॉय व्हील हैं इसके, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। सस्पेंशन जो हैं इसके, अगर आप उबड़ खाबड़ वाले रोड पर चला रहे हैं तो आपको अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। रियर में आपको मेस्ट्रो की बैजिंग दी जा रही है, और एज की जो बैजिंग है इसके अंदर वो आपको पूरी बॉडी ग्राफिक्स में देखने को मिलेगी। फुल बॉडी ग्राफिक्स आपको इसके अंदर दी जा रही है। एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल मीटर आपको दिया जा रहा है, और डिजिटल ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है। माल फंक्शनिंग इंडिकेटर और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आपको इसके अंदर दिया गया है।
साथ ही में अगर बात करें ओवरऑल मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल फिर भी इसका अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल सारे स्विचेस भी आपको दिए गए हैं, i3s आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। मल्टी फंक्शन लॉक सिस्टम आपको इसके अंदर दिया गया है, जिससे कि आप अपना सीट और फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं। अब बात करी है तो आपको ट्रैवल हुक भी बता देते हैं कि इसके अंदर ट्रैवल हुक भी आपको दिए जाते हैं नॉर्मल स्कूटर्स की तरह ही, जिससे कि आप अपना थोड़ा बहुत सामान बाहर भी लटका कर ला सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बेजिंग के बारे में और डिज़ाइनिंग के बारे में, तो बहुत ही एरोडायनामिक शेप आपको इसके अंदर दिया गया है, यानी कि हाई एंड स्पीड्स में आपको स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। फ्यूल टैंक आपको 5 लीटर्स का इसका दिया जा रहा है। रियर में भी आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। मैस्ट्रो एज की जो बेजिंग है वो मतलब आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ग्राफिक्स के ऊपर, और साथ ही में टेल लैंप्स जो हैं इसके वो आपको LED में दिए जा रहे हैं। अगर बात करें बूट स्पेस की, तो जैसा ये स्कूटर है उस हिसाब से इसका बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अगर एक हेलमेट स्टोर करते हैं तो अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाती है इसके अंदर। और साथ ही में अगर बात करें इसके अंदर आपको बूट LED और USB चार्जर भी इसके अंदर दिया गया है, यानी कि आपको USB चार्जिंग का पॉइंट भी इसके अंदर मिल जाता है, तो ये सुविधा भी आपको इसके अंदर दी गई है। तो छोटे मोटे जो फीचर्स हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी किस तरीके से बनाई गई है और किसके लिए बनाई गई है और क्यों ये गाड़ी लेनी चाहिए आपको। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गाड़ी है ये स्पेशली यंग एज के लोगों के लिए है, यानी कि जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं या फिर 10th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये गाड़ी बनाई गई है। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन कम देखने को मिलेगा, बट अगर आप माइलेज चाहते हैं और अगर आप एक अच्छा कंफर्टेबल और रिफाइन स्कूटर चाहते हैं तो आपके लिए स्कूटर बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है और आप इसको ले सकते हैं।